शहरी। रतलाम में भारी वर्षा के मद्देनजर पूरे जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सभी SDM तहसीलदारों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग को पुल पुलिया रपटों पर विशेष रूप से निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। रविवार सुबह कलेक्ट्रेट पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा रतलाम शहर के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा से हुए जल जमाव और अन्य आकलन के लिए भ्रमण किया और जाकर जायजा लिया। कलेक्ट्रेट कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर SDM अभिषेक गहलोत और तहसीलदार गोपाल सोनी, राजस्व और नगर निगम के अमले द्वारा शहर रतलाम में निचली बस्तियों में पानी भर जाने से रहवासियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शहर के भाई मोहल्ला लालजी का वास, बिरी, अखेड़ी, कसाई मंडी क्षेत्रों में रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उनके लिए भोजन व्यवस्था की गई। लगभग 600 भोजन पैकेट वितरित किए गए। जिले में अब तक 894.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इस अवधि तक औसत 999.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जिले में 105 मिलीमीटर वर्षा कम हुई है। जिले में गत 24 घंटों के दौरान रविवार सुबह 8 बजे तक औसत 39.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आलोट में 53 मिलीमीटर, जावरा में 10 मिलीमीटर, ताल में 63 मिलीमीटर, पिपलोदा में 45 मिलीमीटर, बाजना में 15 मिलीमीटर, पैच रतलाम में 74 मिलीमीटर, रावटी में 12 मिलीमीटर और सोलान में 36 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रतलाम जिले की सामान्य वर्षा 918.3 मिलीमीटर है।